हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज से बेस्ट इन इंडिया अपना नाम बदलकर आप लोगों के सामने बंग मिस्ट्री नाम से हाजिर हुआ है। बंग मिस्ट्री की टीम आशा रखती है कि आप सबको और भी अच्छे वीडियो गिफ्ट कर पाएंगी। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय रेलवे के कुछ मेगा फ्यूचर प्रोजेक्ट के बारे में, मगर उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्रेस द बेल आइकॉन ऑन यूट्यूब ऐप एंड नेवर मिस एनी अपडेट्स। भारत के रेल नेटवर्क वर्ल्ड की फोर्थ लार्जेस्ट रेल नेटवर्क है और वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा ट्रैफिक डेंसिटी वाली रेल सिस्टम है। भारत के प्रगति के लिए भारतीय रेलवे बहुत अच्छे तरीके से अपनी भूमिका निभाया है। भारतीय रेलवे को और भी बेहतर बनाने के लिए भारतीय रेल ने कुछ स्टेप लिया है। आज हम भारतीय रेल के कुछ मेगा फ्यूचर प्रोजेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं। नंबर 10, वाईफाई एनेबल्ड ट्रेन एंड स्टेशंस। 2015 साल की सितंबर में भारतीय रेल और गूगल ने एक साथ मिलकर भारत की 100 टॉप मोस्ट स्टेशन पर हाई स्पीड वाईफाई का सुविधा चालू करने का घोषणा किया और 2016 साल में यह करके दिखाया। इस प्रोजेक्ट का सक्सेस को ध्यान में रखते हुए ही भारतीय रेल अब भारत के सब ट्रेन्स और रेल स्टेशन पर ये सुविधा देने वाली है। नंबर 9, टॉलेस्ट गार्डर ब्रिज मणिपुर। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में रेल मार्ग विस्तार करना हमेशा से ही एक चैलेंजिंग टास्क रहा है, मगर हिमालय पर्वत में वर्ल्ड की सबसे ऊंचा गार्डर ब्रिज बनाना एक बहुत बड़ा सक्सेस है। ये ब्रिज दिल्ली के कुतुब मीनार से करीब 2 गुना ज़्यादा ऊंचा होगा और सिरिबाम, तुपुल और इम्फाल को एक साथ जोड़ेगा। इस ब्रिज की एक पायर की लंबाई करीब 141 मीटर होगा। ये ब्रिज में से ट्रेनें 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी। 2019 की जून महीने तक ये ब्रिज तैयार हो जाएगा। नंबर 8, 100% इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ रेलवे रूट्स। भारतीय रेल 2021 की मार्च महीने तक अपनी 100% रेल रूट को इलेक्ट्रिफाइड करने का दावा किया है। इलेक्ट्रिफिकेशन हो जाने के बाद भारतीय रेल सालाना $1 बिलियन की बचत कर सकेंगी। इलेक्ट्रिफिकेशन होने से एनवायरमेंटल पोल्यूशन भी कम होगा और मॉडर्न टेक्निक वाली इंजन से ट्रेन और भी ज़्यादा रफ्तार से छूट पाएंगी। अभी तक भारतीय रेल 42% रेल रूट को इलेक्ट्रिफाइड कर चुकी है। नंबर 7, स्टेशन अपग्रेडेशन। भारतीय रेल भारत को गति के साथ प्रगति का भी बर्तन दिया है। उसी भारतीय रेल के स्टेशन के पुनर्निर्माण के लिए सरकार ने कुछ स्टेप लिया है। नए तरह से निर्मित स्टेशन में बेहतरीन यात्री सुविधाओं के साथ साथ कमर्शियल आउटलेट्स का भी सुविधा होगा, जैसे रिटेल डेवलपमेंट, ऑफिस स्पेस, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, होटल्स, कॉन्फ्रेंस हॉल्स एक्सेट्रा। स्टेशन अपग्रेड करने की ये योजना पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पर कार्य करेंगे। इस प्रोजेक्ट पर लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्ट होने का संभावना है। नंबर 6, मुंबई पुणे हाइपरलूप। मुंबई से पुणे तक लगभग 3 घंटे की दूरी को कम करती हुई ये हाइपरलूप सिस्टम 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लगभग 14 मिनट में ही यह दूरी कवर करेंगी। जनवरी 2018 में वर्जिन हाइपरलूप अथॉरिटी ये प्रोजेक्ट को तैयार करने के लिए PMRDA को एक डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट किया है। हाइपरलूप टेक्निक में एक ट्यूब के अंदर में से हाइपरलूप कैप्सूल को रन कराया जाएगा। ये प्रोजेक्ट 2026 तक कंप्लीट होने का संभावना है। नंबर 5, फास्ट अंडर वाटर मेट्रो टनल इन इंडिया। भले ही फॉरेन कंट्रीज में अंडर वाटर मेट्रो चलती है, मगर इंडिया की पहली अंडर वाटर मेट्रो चलने जा रही है कोलकाता में।
हुगली रिवर के करीब 35 मीटर नीचे से टनल को ले जाया गया है। करीब 3 मिनट्स ट्रेन इस टनल में से गुजरेंगे। इस टनल का लंबाई 520 मीटर होगा। ये टनल कंप्लीट होने के बाद कोलकाता मतलब भारत के दो बड़े रेलवे स्टेशन हावड़ा और सियालदा एक दूसरे से जुड़ जाएंगी। नंबर 4, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। वर्तमान में भारत में एक ही रेलवे ट्रैक पर पैसेंजर और फ्रेट दो तरह की ट्रेन चलती है, इसलिए पैसेंजर ट्रेन अपनी टॉप स्पीड पर नहीं चल पाती है। यह डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर तैयार होने के बाद पैसेंजर ट्रेन के साथ साथ फ्रेट ट्रेन्स का भी घंटे प्रति औसत बढ़ जाएंगी। फ्रेट ट्रेन 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेंगी और ट्रेन की लंबाई भी 700 मीटर से इंक्रीज होगी। ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद भारत प्रगति की तरफ और एक कदम सामने की ओर चल जाएंगी। नंबर 3, हाईएस्ट रेलवे आर्च ब्रिज ऑन चेनाब रिवर। वर्ल्ड की हाईएस्ट रेलवे ब्रिज बनने जा रही है जम्मू कश्मीर में। इस ब्रिज की ऊंचाई करीब 359 मीटर होगा, जो कि आईफिल टावर से भी 35 मीटर ज़्यादा है। इस ब्रिज को कॉन्टैक्ट ब्लास्ट लोड के लिए डिज़ाइन किया गया है। ये ब्रिज 8 स्केल का अर्थक्वेक को भी झेल सकती है। इस ब्रिज में से ट्रेन 90 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से दौड़ेंगी। ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद भारत वर्ल्ड की टॉप मोस्ट कंट्रीज में से एक बन जाएंगी। नंबर 2, मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर। भारत जापान की सहयोग से मुंबई से अहमदाबाद तक हाई स्पीड रेलवे का विस्तार कर रही है। 320 किलोमीटर प्रति घंटे रफ्तार से दौड़ने वाली ये हाई स्पीड रेल 8 घंटे की रास्ते को 2 घंटे में कवर करेंगी। ये रेलमार्ग कई सारी ब्रिजेस टनल से होकर गुजरेंगे। सालाना लगभग 1.5 करोड़ लोग इस रेलवे मार्ग को इस्तेमाल करेंगे। ये रेलमार्ग भारतीय नागरिकों को जीविका का नया दिशा दिखाने वाली है। ये रेलमार्ग तैयार हो जाने के बाद भारत हाई स्पीड रेलवे का इस्तेमाल करने वाली देशों के लिस्ट में अपना नाम दस्तखत कर लेंगी। नंबर 1, ट्रेन 20। ट्रेन 20 बिल्कुल ट्रेन 18 की तरह ही एक इंजनलेस ट्रेन होगा। ये ट्रेन में चेयर कार की बदले स्लीपर कोच होगा और ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन मतलब राजधानी जैसे ट्रेनों को रिप्लेस करेगा। इस ट्रेन की अधिकतम रफ्तार 200 किलोमीटर प्रति घंटे होगा और ये ट्रेन हर एक आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। इस ट्रेन का एक्सलरेशन एंटी एक्सलरेशन भी बहुत तेज़ी से होगा। एकदम यूरोपियन कंट्रीज में चलने वाली ट्रेन्स की तरह ही दिखने वाली ये ट्रेन भारत को एक ऊंचाई पर लेकर जाएंगी। सो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। आप मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकती हो, क्योंकि वहां पर मैं मेरे चैनल पर आने वाली हर एक वीडियोस की अपडेट्स देता हूँ। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, सी यू अगेन, बाय बाय।